नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सीबीआई जज बीएच लोया की मौत के मामले में स्वतंत्र जांच की जाए या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच वाली मांग की याचिका को ठुकरा दिया। साल 2007 के हैदराबाद की मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जांच एजेंसी एनआईए पर हमला बोला है। ओवैसी ने आतंकवाद निरोधक जांच एजेंसी को न सिर्फ पिंजरे का तोता ही नहीं बताया बल्कि अंधा और बहरा तोता भी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन के लिए प्रपोजल तैयार कर लिया है। मंत्रालय अगले दो दिनों में इस प्रपोजल को लॉ मिनिस्ट्री के पास कानूनी सलाह के लिए भेजेगा। कानून मंत्रालय की सलाह के बाद मंत्रालय पॉक्सो एक्ट में संशोधन को कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजेगा। देश भर में व्यापक स्तर पर चल रही नकदी की किल्लत के बीच अब कर विभाग सक्रिय हो गया। विभाग ने चुनावी राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में जमकर छापेमारी की है। हाल ही में की इस तरह की कार्रवाइयों की संख्या करीब 3 दर्जन तक जा पहुंची है। देश के कई राज्यों के एटीएम में कैश की समस्या अभी सुलझी भी नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनता को एक और झटका दे दिया है। अब 5 से अधिक एटीएम ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहकों को आगे चलकर 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन खर्च करने होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। जनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।